वेलकम टू आवर चैनल, मैं हूँ ऐश्वर्या। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि काले किशमिश के पानी कैसे पीने हैं, ये फर्टिलिटी को बढ़ाने में कितने फ़ायदेमंद है, और आपको इसको पीने के समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, कौन मेल और फीमेल दोनों पी सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ओवुलेशन को ठीक करने के लिए, अंडे की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, अंडे की क्वालिटी को बनाने के लिए, पीरियड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, थायराइड में अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है उसके लिए, साथ ही शरीर में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको किशमिश के पानी को, काली किशमिश के पानी को कैसे पीना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले पीना कैसे है। तो आपको लेना है 20 से 25 ब्लैक रेजिन यानी काले किशमिश, इसको रात भर आपको भिगो के रख देना है। उसके बाद अगले दिन सुबह एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट आपको इस पानी को पीना है। उसके बाद बची हुई किशमिश को आपको दिन भर में जैसे भी आप खाना चाहो खा सकते हो, किसी सैलेड के साथ या फिर इसी तरह या फिर किसी चीज़ में मिक्स करके आप इसको खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन आपको वो बिना उसके छिलके उतारे या बीज निकाले आपको सेम वो जो फूली हुई किशमिश है आपको पूरे दिन भर में ख़त्म करनी है, और वो पानी जो है वो एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट पीनी है। इसके क्या क्या फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि इनफर्टिलिटी को कम करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि ओवुलेशन को ठीक रखता है। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है तब भी आप पी सकते हो, ये भी आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा बहुत जल्द से जल्द। तो ओवुलेशन को ठीक करता है, पीरियड प्रॉब्लम को ठीक करता है, PCOS PCOD की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, थायराइड वाले भी पी सकते हैं, PCOS PCOD वाले भी पी सकते हैं, डायबिटीज़ है जिनको वो भी इस काले किशमिश के पानी को पी सकते हैं। उसके बाद हाँ, काले किशमिश जिनको डायबिटीज़ है वो काले किशमिश के पानी को पी सकते हैं। अगर उनको किशमिश नहीं खानी है तो वो फिर वो डायबिटीज़ वाले किशमिश को छोड़ सकते हैं, लेकिन पानी पी सकते हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये आपके प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, ओवुलेशन ठीक टाइम पर लाता है, पीरियड को सही समय पर लाता है, लीवर की प्रॉब्लम दूर करता है, हीमोग्लोबिन अगर कम है उसको मेंटेन करता है, अगर आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है ब्लड सप्लाई को ठीक करता है, और अगर अंडे सही से नहीं बन रहे हैं, फूट नहीं रहे हैं, उनको वो सही करता है। तो काले किशमिश के पानी के अनगिनत बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बात करें कि मेल इसको पी सकते हैं कि नहीं, तो मेल्स भी पी सकते हैं, उनके काउंट को, मोर्टेलिटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि आपको पानी कितने क्वांटिटी में लेना है। तो आप एक कप पानी में भी किशमिश को फूलों के भिगो के रख सकते हो, या फिर आधा ग्लास पानी में भी 20 से 25 किशमिश को आप भिगो के ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो, तो वो सारा पानी आपको उसी वक्त पीना है। और अगर बात करें कि कौन से पानी में आपको उसको भिगो के रखना है, तो नॉर्मल वाटर जो आता है प्योरीफाइड, नॉर्मल प्योरीफाइड वाटर, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मतलब गर्म और ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी होता है प्योरीफाइड उसमें आपको रात भर के लिए भिगो के रखना है। इस नेचुरल रेमेडी को आपको 1 से 1.5 महीने तक करना है। आप चाहो तो डेली भी पी सकते हो, अदरवाइज अल्टरनेट डेज पे भी पी सकते हो, जैसे कि एक दिन कैप करके दूसरे दिन भी पी सकते हो, तो अल्टरनेट डेज पे भी आप इसका सेवन कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और भी शरीर में अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है उसके लिए भी ये परिपूर्ति करता है, यानी कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये फर्टिलिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी आपको देता है। तो आप इसको ट्राई करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाओ।